टिकरीगंज थाने की पुलिस ने एक अंतरजनपदीय शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रमेश मौर्य पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ मौर्य निवासी ग्राम उनवल बाजार थाना खजनी जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी की 13 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि घटना में शामिल दो अभियुक्त मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी पहचान सुरेंद्र कुमार पुत्र राम नरेश निवासी धगराहवा 306 कटेला शर्की जनपद सिद्धार्थनगर, दूसरा अजय सिंह पुत्र अंबिका सिंह निवासी भतुआ थाना मेहदावल जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया थाना सिकरीगंज क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर रोकथाम लगाने हेतु थाना सिकरीगंज पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि दो मोटरसाइकिल से तीन अभियुक्त बारी गाँव के रास्ते उसरैन तिराहे पर आकर चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई किया गया। तीन अभियुक्त को दो मोटरसाइकिल से आए, जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, दो व्यक्ति भागने में सफल रहे, जिसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने बताया कि हम तीनों लोग अलग अलग जनपदों के विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल को चुरा कर औने पौने दामों में बेचकर आपस में पैसा बांटकर अपना खर्च चलाते हैं। पकड़ी गई इन दो मोटरसाइकिलों के अतिरिक्त भी कुछ मोटरसाइकिलों को हम लोगों ने पिडरी के पास नदी के किनारे सुनसान जगह पर बालू का खनन करने से बने गड्ढे में छिपा कर रखा है, जिन्हें हम लोग मौके पर पाकर योजना बनाकर बेचने की फिराक में थे। आज हम लोग मोटरसाइकिल को बेचने ही वाले थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया, जिसको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सिकरीगंज थाना प्रभारी मनीष यादव, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार पांडे, अजीत कुमार यादव, संजय सिंह, आशीष कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मराज यादव, कांस्टेबल विजय सिंह, राहुल यादव, राकेश शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर के थाना सिकरीगंज द्वारा एक दो पहिया वाहन चोरों का गैंग को क्रैक किया गया है, जिसका कि मुख्य अभियुक्त रमेश मौर्य गिरफ्तार हुआ है। इस गिरोह द्वारा, जिसमें कि दो अन्य लोग सुरेंद्र कुमार और अजय कुमार भी शामिल हैं, विगत कई दिनों से इनके द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दो पहिया वाहन, जिसमें कि होंडा की मोटरसाइकिल्स हैं, उनको चोरी किया जा रहा था। इस पूरी जो गैंग पकड़ा गया है, उसके जो रिकवरी हुई है, उसमें 13 मोटरसाइकिल्स रिकवर हुई हैं। ये सभी मोटरसाइकिल्स को मुकदमों के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, दो मुकदमों के साथ ऑलरेडी ये कनेक्ट हो गई हैं। इसके अतिरिक्त जो इनके वाहन स्वामी हैं, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है कि कब उनके साथ घटना हुई या कहाँ हुई। ये सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए इस पूरे गैंग के ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसका जो मुख्य अभियुक्त रमेश मौर्य है, उसके ऊपर टोटल 7 मुकदमे दर्ज हैं। इन बाकी दो की गिरफ्तारी के बाद भी चार्जशीट लगाने के उपरांत इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और इनका गैंग पंजीकरण भी किया जाएगा। इसी तरह से बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के और सिटी क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को विशेष रूप से वाहन चोरी के गैंग्स के ऊपर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। चौकीवार कितनी मोटरसाइकिल चोरी हुई है पिछले एक साल में, उसका भी एक आंकड़ा निकाला गया है। हॉटस्पॉट्स भी चिन्हित किए गए हैं, उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा पिकेट लगाने के निर्देश दिए गए हैं और हर महीने इस अभियान की प्रगति को भी चेक किया जा रहा है कि कितनी वाहन जो चोरी है उसमें कितनी कटौती हो रही है। इन सभी प्रयासों के बाद तो जिस जिस थाना और चौकी क्षेत्रों में इस संबंध में कटौती होगी, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और जहाँ जहाँ कमी पाई जाएगी निर्देशों के बाद भी, जहां पर वाहन चोरी की घटनाएं होंगी, तो वहां पर संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए ये तीनों जो हैं, एक गैंग बना के काम करते थे, चिन्हित करके ये टारगेट विशेष रूप से एक ही तरह की बाइक्स को करते थे और इसको चुराने के बाद फिर आगे इसको बेचने का काम ये करते।